आज मैं जो तरीका लेकर आया हूँ, इस तरीके से किसी भी लड़की या औरत को एक ही पल में पटा सकते हो। अगर ये तरीका एक बार सीख लिया जाए तो किसी भी लड़की को पटाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। जैसे कि हम जानते हैं कि मर्द का प्यार आंखों से शुरू होता है और औरत का प्यार कानों से। औरत उसी से प्यार करती है जिसके बारे में वो सुनती है। यह अच्छा या बुरा मायने नहीं रखता। अगर औरत तुम्हारे बारे में बुरा भी सुने तो भी उसे तुमसे प्यार हो जाएगा। जरूरी है वो तुम्हारे बारे में सुने। औरत मर्द को पसंद करती है उसकी बातों से। जब तुम किसी औरत से बात करते हो तो वो बड़ी चालाकी से तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करती है। वो तुम्हारी सोच, समझ, समाज में रुतबा जानने की कोशिश करती है। तो अगर तुम चाहते हो कि कोई औरत या लड़की तुमसे बात करे, तुम्हें सुने, तो जरूरी है तुम्हारी बातें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। शब्द भेद अनुग्रहम तुम्हें लड़की से इंटरेस्टिंग बातें करने में बहुत मदद करेगी। पहले तो तुम्हें ऐसी बातें करनी है जिसमें लड़की का मतलब छुपा हो, जिसमें लड़की का फायदा हो। दूसरी, उसे ऐसी बातें मत करो या उसे ऐसे सवाल मत पूछो जिसमें उसे डिसीजन लेना पड़े। जैसे लड़के पूछते हैं, क्या कर रहे हो, कॉलेज जाओगे या नहीं, फ़ोन नंबर दोगे या नहीं, कल मिलोगे या नहीं, ऐसे सवालों से लड़कियाँ चिढ़ती हैं। इसके उल्टा तुम अगर उससे बोलोगे, कल 12 बजे मिलते हैं, या तुम बोलोगे, नंबर दो, बात करते हैं, तो वो इनकार नहीं कर पाएगी। बजाय उससे पूछने के कि वो क्या कर रही है, उसे बोलो कि तुम क्या कर रहे हो। इससे ये होगा, वो सोचेगी ये बंदा कुछ ना कुछ करते रहता है, मैं तो घर बैठे बोर हो रही हूँ। और जब तुम उसे खुद के बारे में पल पल की खबर दोगे तो उसे तुम्हारे बारे में जानने की आदत हो जाएगी। कुछ दिन बाद वो खुद तुमसे पूछने लगेगी, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ये तो बात हुई क्या नहीं करना है, तो बात करते हैं कि उससे कैसे बात करना है। अलग अलग लड़कियों का अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, तो जब तुम लड़की से बात करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उसका इंटरेस्ट किस में है। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो सारी लड़कियाँ पसंद करती है। सबसे पहले तो लड़कियों को खाने पीने की चीज़ें बहुत पसंद होती है, तो उससे खाने पीने की चीज़ों की बात करो। जैसे तुम बोल सकते हो, सॉफ्ट बबल चॉकलेट लाया हो, बहुत टेस्टी है। जब हम चॉकलेट मुँह में रखते हैं तो इसमें से छोटे छोटे बबल बस्ट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें ऐसे बोलना है जैसे लड़की के मुँह में पानी आ जाए। दूसरी चीज़ उससे कहो, कल मैंने एक मूवी देखी जिसमें एक्ट्रेस पिंक कलर की मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी, मुझे मिनी स्कर्ट बहुत पसंद है। मेरी जब शादी होगी तो मैं मेरे वाइफ को वैसा ही पिंक कलर का मिनी स्कर्ट ला के दूंगा। लड़कियों को शॉर्ट्स और मिनी स्कर्ट बहुत पसंद होता है। हो सकता है लड़की तुमसे कहे, मुझे तो शॉर्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हें चेक करने के लिए ऐसा बोल रही है, शॉर्ट्स तो उसे भी पसंद है। तो दूसरी चीज़ है, कपड़ों के बारे में बात करो। लड़कियां कपड़ों के बारे में बात करके तुम लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो, इस बारे में जानने की कोशिश करती है। तीसरी चीज़, तुम बात करो तुम दोनों की आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी, तुम दोनों कैसे साथ रहोगे, कहाँ रहोगे, क्या करोगे। उसके सपने, उसकी चाहत, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारे पसंद, इन सब चीज़ों के बारे में बात करो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करो। कोई सवाल हो तो कमेंट करो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।